फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निशा धीमान। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ आम का छच्छा या कच्चे आम की चटनी आप बोल सकते हो। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं बता देती हूँ। एक लिया है मैंने कच्चा प्याज, दो मैंने आम लिए हैं, दो मैंने हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी ये हर ग्रीन प्याज की लीव्स हैं, और मैंने लिया है पुदीना फ्रेश, और मैंने इसमें लिए हैं 2 चम्मच चीनी और नमक जो है स्वाद अनुसार। तो आइए हम बनाते हैं अब कच्चे आम का छिच्छा। तो इसके लिए जो सबसे पहले चाहिए हमें, एक चाहिए तो सबसे पहले जो है इसमें हम मैंगो डालेंगे। हाँ, आम की जो है गुठलियां हमें निकाल लेनी है, उसको हम कट करके डाल देंगे। इस तरीके से जो है इसमें मैं 2 मिर्ची हरी मिर्च कट करके ऐड कर दूंगी, ग्रीन लीव्स, कच्चा प्याज जो मैंने लिया था एक, उसे मैं इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस करके कट कर दूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं पुदीना, हरा पुदीना जो मैंने इसमें लिया था वो मैं इसे ऐड कर दूंगी। सॉल्ट स्वाद अनुसार, जितना आप नमक खाते हैं, मिर्ची आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं जितना आप। उसके बाद हमें इस तरीके जो हाथ डंडा होता है या पत्थर का हो या जो लकड़ी का यूज़ करते हैं हम ट्रेडिशनली, उसके साथ इस तरीके से इसे पीसना शुरू करूँगी। जो है चटनी हमारी पीस के रेडी होने हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे मैं जो है शुगर ऐड कर दूंगी और इसे दोबारा इस तरीके से पीसना शुरू करूंगी ताकि जो है शुगर इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप शुगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, खट्टा अगर आपको पसंद है तो आप ऐसी तरीके से सिंपल खट्टी भी खा सकते हैं। और मैं दोबारा इसे अच्छे से स्मूथ कर लूँगी इसकी तरह पीस पीस के इसके साथ डंडे की मदद से। छिच्छा जो है हमारा देखिए बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम इसे जो है एक बाउल में निकाल देंगे। आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, किसी भी दाल सब्जी के साथ आप इसे इंजॉय करिए, बहुत टेस्टी लगता है ये। जी इसे बनाइए और जरूर इंजॉय करिए। कच्चे आमों की रेसिपी है, कच्चे आम से बनी हुई रेसिपी है ये छिच्छा या कच्चे आम की चटनी, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं और ये बहुत यमी होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।